नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। आप सभी के लिए खुशखबरी है। जी हां, एप्पल ने मंगलवार देर रात आईफोन 15 लाइनअप और न्यू एप्पल वॉच को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस को लेकर के पूरा फोकस किया है। साथ ही पहली बार, जी हां, एप्पल के आईफोन में अब यूएसबी टाइप सी पोर्ट को दिया गया है, जिसका मतलब है अब एंड्रॉयड फोन के चार्जर से भी आप आईफोन को चार्ज कर सकेंगे। तो अब सबको बेसब्री से इंतजार है कि भाई इस बार एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स में कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात कि भाई प्राइजेस का क्या होगा। एप्पल वॉच की ले ले या आईफोन 15 की ले ले, उसके प्राइजेस कितने होंगे। दरअसल आईफोन 15 अपने लाइनअप के दौरान कुल चार मॉडल को पेश किया गया है, जिसमें एक आईफोन 15 सीरीज है, जबकि दूसरी आईफोन 15 प्रो सीरीज है। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 9 और न्यू वॉच अल्ट्रा 2 मौजूद है। जी हाँ, आईफोन 15 प्रो मैक्स का टॉप वेरिएंट 1 TB का बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 1,99,900 रुपए है। अब आपकी किडनी भी काम नहीं आने वाली है। जी हाँ, जिन लोगों को अब आईफोन 15 खरीदना है, उसको पहले से ही अपने पैसों को बचा के रखना होगा। अगर हम आईफोन 15 की शुरुआती कीमत की बात करें, तो उसकी कीमत 79,900 रुपीज बताई जा रही है, जिसमें 128 GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। आईफोन 15 में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ ही ये फोन A16 बायोनिक चिपसेट के साथ काम करेगा। इसमें बैक पैनल पर डुअल कैमरा सेटअप भी मिलेगा। जी हाँ, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अब आईफोन 15 प्लस की कीमत और फीचर्स की अगर हम बात कर ले, तो इसकी शुरुआती कीमत 89,900 बताया जा रहा है, जिसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी मिलेगी। इसके साथ ही अब हैंडसेट में A16 बायोनिक चिपसेट का यूज भी किया गया है, जो आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में ये दिया जा चुका है। इसमें बैक पैनल पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा, जिसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी होगा। अब अगर हम बात कर ले आईफोन 15 प्रो की कीमत और फीचर्स की, तो आईफोन 15 प्रो की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपए बताया गया है। आईफोन 15 प्रो में 6.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें एप्पल A17 प्रो 3nm चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआती वेरिएंट में 128 GB स्टोरेज आपको दिया जा रहा है। वही अगर हम बात कर ले प्रो मैक्स की, तो इसके फीचर्स में बताया गया है कि इसका जो OLED सुपर रेटिना होने वाला है, वो 6.7 इंच का होगा, और XDR डिस्प्ले भी मिलेगा। इसके साथ ही HDR ट्रू टोन और डायनेमिक आइलैंड ऑलविच की तरह से आपको 120Hz का प्रोमोशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। जी हाँ, अगर स्क्रीन प्रोटेक्शन की हम बात कर ले, तो सिरेमिक शील्ड का यूज किया गया है। इसमें एप्पल A17 प्रो 3nm चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत आपको अगर बता दें, तो आप काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआती जो कीमत है वो 1,59,900 रुपए बताई गई है, जबकि आईफोन 15 प्रो मैक्स का जो टॉप वेरियंट है, जो 1 TB का है, इसकी कीमत 1,99,900 रुपए है। वही अगर हम कैमरा सेटअप की बात कर ले कि उसमें आखिर क्या कुछ बदलाव किया गया है, पुराने वाले आईफोन यानी कि आईफोन 14 और 15 में क्या कुछ डिफरेंस दिया गया है कैमरा सेटअप को लेकर के, तो बताया जा रहा है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स में बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, जो सेंसर शिफ्ट OIS के साथ आता है। जो है सेकेंडरी जो कि कैमरा है, वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देता है। इसमें वही जो अगर हम तीसरे कैमरे की बात कर ले, तो 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर है। प्रो वेरिएंट बताया जा रहा है कि 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा, और प्रो मैक्स में 5x ऑप्टिकल जूम मिलेगा।
अगर इसके साथ अगर हम बात कर ले एप्पल वॉच की, तो इस बार एप्पल ने आईफोन 15 के साथ साथ एप्पल वॉच का नया सीरीज यानी कि सीरीज 9 और एप्पल वॉच SE को भी लॉन्च किया है। अगर हम बात कर ले एप्पल वॉच की, तो एप्पल ने न्यू वॉच भी लॉन्च किया है जिसमें एप्पल वॉच सीरीज 9 और एप्पल वॉच SE लॉन्च किया है। अगर सीरीज 9 की हम बात कर ले तो न्यू S9 चिपसेट का यूज किया गया है इसमें और सेकेंड जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड का इस्तेमाल किया गया है। वही अगर हम एप्पल वॉच में डबल टैप फीचर की बात कर ले तो एप्पल वॉच में डबल टैप फीचर को भी शामिल किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा अनोखा फीचर है जो यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दरअसल यूज़र्स इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को डबल टैप करके चुनिंदा फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें कॉल उठाना, डिसकनेक्ट करना और कई सारे फीचर्स को शामिल किया गया है। ये एक स्मार्ट वॉच 5 कलर वेरिएंट में पेश किया गया है यानी कि 5 डिफरेंट कलर में इस स्मार्ट वॉच को पेश किया गया है। अगर हम अल्ट्रा वॉच 2 की बात कर ले तो एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 में एप्पल वॉच 9 सीरीज की तरह डबल टैप जेस्चर है। इसमें 3000 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलेगी। इसमें यूजर्स को नया जो कि न्यू मॉड्यूलर अल्ट्रा वॉच फेस मिलेगा। जी हाँ, ये वॉच रियल टाइम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जानकारी को पूरी तरह से अपने यूजर्स को देगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको आईफोन 15 के बारे में और काफ़ी सारी जानकारी जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले समय में हम अगर आईफोन 15 या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप उस लिंक को क्लिक करके सीधे हमारे उस वीडियो तक पहुँच जाएँ। धन्यवाद।